शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 100 दिन से ज्यादा जेल में काटने पड़े। उसके बाद अब जब वो जमानत पर बाहर है तो सबको लगा था संजय राउत बदल कर लौटे हैं। संजय राउत ने किसी से कोई शिकायत होने से इनकार कर दिया, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर डाली, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की बात कही, लेकिन उसके बाद जेल में बिताए अपने 101 दिनों का दुखड़ा भी गाया, बताया कि कितनी परेशानी में जेल में इतने दिन बीते हैं संजय राउत के। फिर धीरे धीरे कर अब हमलावर हो रहे हैं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत, धीरे धीरे कर फॉर्म में आ रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता, और उसके बाद अब यहाँ तक बोल गए हैं कि उनकी जान को खतरा है और अगर उनको कुछ होता है तो फिर समझ लीजिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल राउत ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल किया, महाराष्ट्र की मौजूदा शिवसेना सरकार पर निशाना साधा, कहा कि मेरे जीवन को खतरा है, बावजूद इसके मेरी जान के साथ खेल रही है शिंदे सरकार, कल अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार होगी। राउत ने महाराष्ट्र पुलिस को लेकर दम भरा, कहा कि पुलिस से मुझे पता चला है कि मेरी रेकी की जा रही है, मुंबई में हुए दंगों के बाद से लगातार मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, बीते 25 से 30 साल से मुझे सुरक्षा दी जा रही थी लेकिन ये सुरक्षा सरकार ने अब वापस ले ली है, मैंने सुरक्षा की मांग नहीं की थी और मांगूंगा भी नहीं, मैं सामना कार्यालय में बैठता हूँ, वहाँ की सुरक्षा हटा ली गई है, जेल से बाहर आते जाते समय मुझे कुछ कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में लाया और ले जाया जाता था, मेरी जान को खतरा है इसलिए सुरक्षा दी गई थी, बावजूद इसके सरकार ने सुरक्षा हटा दी। अब राउत ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है, कह दिया है मैं किसी भी सूरत में सुरक्षा की मांग नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये सवाल भी है कि आखिर किन नियमों के तहत तो मेरी सुरक्षा हटाई गई, साथ ही ये सिफारिश करने वाली कौन सी कमेटी थी, पल भर में सुरक्षा हटा दी गई लेकिन किस वजह से ये नहीं पता, ये सब बदले की राजनीति के चलते किया गया है, मेरे विरोधी चाहते हैं कि मैं काम न करूं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। हालांकि राउत की इतनी बात सुनने के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी, अपने ऊपर आरोप कहां लेने वाली थी, राउत के हमले पर बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया, बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर समिति जायजा लेती है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, लिहाजा संजय राउत के आरोप गलत हैं। जब हमारी सुरक्षा हटाई गई थी तब संजय राउत हमको ज्ञान दे रहे थे, अब वो दूसरों को सामान्य ज्ञान दे, मतलब साफ है कि संजय राउत शिकायत चाहे कितनी भी कर लें, अभी फिलहाल तो उनको उनकी सुरक्षा वापस नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें अभी पिछले दिनों ही महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने महाविकास अघाड़ी के 15 नेताओं की सुरक्षा हटा दी, हालांकि मिलिंद नार्वेकर जैसे नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया भी गया लेकिन संजय राउत की सुरक्षा को वापस ले लिया गया, जिससे बौखलाए हुए हैं संजय राउत। जिन नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई है उनमें उद्धव ठाकरे के भतीजे और युवा सेना के पदाधिकारी वरुण सरदेसाई, जेल में बंद अनिल देशमुख, राकांपा के छगन भुजबल, जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक और नरहरि जिरवाल, कांग्रेस के बाला साहेब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, सतेज पाटिल, विजय वडेटीवार, सुनील केदार, उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और शिवसेना नेता संजय राउत, सेना के भास्कर जाधव और टेलकर परिवार, साथ ही असलम शेख, अनिल परब का नाम शामिल है। ऐसे में संजय राउत का तो बौखला जाना लाजमी है लेकिन इस तरह से सरकार को धमकाना, कुछ हो जाए तो उसके लिए सीधा सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना कहां तक सही है, आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।